हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू शिप्रा की छोटी दुनिया। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। सुबह सुबह मैं उठ के नहा ली और भाई भी आ गया है गांव से, उसको फिर वापस जाना है। तो आज मैं किचन में जल्दी जाऊंगी क्योंकि उन लोगों के लिए नाश्ता बनाना है। तो प्रशांत का दोस्त भी एक आ रहा है, तो वो परेशान है कि दीदी क्या बना रही हो। तो मैं और मेरी भाभी दोनों लोग मिल के बना रहे हैं आज गोभी के पराठे और पनीर की भुज्जी। तो देखिए, ये मैंने प्याज और टमाटर फ्राई कर लिए हैं और इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर ये सब करके, धनिया की पत्ती ये सब डालना है तड़के में। उसके बाद कद्दूकस कर रही है मेरी भाभी, देखिए। तो कद्दूकस करके पनीर को फिर उसमें मिक्स करना है। और साथ ही हम लोग गोभी के पराठे की भी तैयारी कर लिए हैं। गोभी कद्दूकस कर लिए, उसमें धनिया, मिर्चा और नमक ये सब उसमें पड़ गया है। और आटे में घी डाल के थोड़ा सा गूँथ लिए हैं हम लोग, नमक डाल के थोड़ा। साथ में थोड़ी दही भी मंगा लिए हैं क्योंकि दही और गोभी के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं एक साथ। पर बाबू बोला था कि नहीं, पनीर भुज्जी भी बनाना है, तो भी हम लोग बना ही रहे हैं। बच्चे लोग गेस्ट रूम में बैठे हुए हैं, देखिए। और ये लोग टीवी को सेटिंग करने में लगे हैं, वो थोड़ा और आगे करना चाहते हैं लोग, तो उसी को ट्राई कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत बिजी शेड्यूल हो गया था, इसी वजह से मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही थी। और ये देखिए, बंटी का ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है, तो ये एक कमरे में बंद होके अपनी पढ़ाई कर रही है। और प्रशांत भी एकदम परेशान है, बार बार आ रहा है, दीदी नाश्ता तैयार हो गया कि नहीं, कहीं लेट ना हो जाए। इधर सपना भी लगी हुई है और हम लोग मिलजुल के सब कर रहे हैं। देखिए, भाभी परेठा बनाना शुरू कर दी, मेरा पनीर भुज्जी भी तैयार हो गया है। लोग थे तो इसलिए फटाफट नाश्ता तैयार हो गया। मैं कभी किचन में और कभी बच्चों के पास, बच्चे चिल्लाने लगते, बुआ इधर आइए, बुआ इधर आइए। और सब लोग फिर नाश्ता करने बैठ गए और दोपहर का खाना फिर नाश्ते के बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे धीरे धीरे। फिर शाम को जाना है शादी में भी, तो वो भी तैयारियां करनी है। मेरी बेटी ने मेरा जूड़ा बनाया क्योंकि शाम को शादी में जाना है, तो उसी की तैयारी चल रही थी। कॉलोनी में बंगाली जी एक रहते हैं, तो उन्हीं की शादी में हम लोग आए हैं। और आप देखिएगा, इनका रीति रिवाज बहुत ही अच्छा होता है, तो अगर आपने कभी बंगाली शादी नहीं देखी है तो देखिए, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। मेरी फ्रेंड आई हुई थी चंदा, उसकी छोटी बेटी बहुत अच्छा गाना गाती है, मैं उसकी रिकॉर्डिंग करके गाने का डालती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.